खबरें। सऊदी अरब में दो पंजाबियों का काटा सिर, खबर सुन के भर के सीएम अरमिंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने सऊदी अरब में हाल ही में दो पंजाबियों का सिर काटने की घटना को बुधवार को बर्बर और अमानवीय बताते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में विदेश मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगेंगे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक हत्या के दोष में होशियारपुर निवासी सतविंदर कुमार और लुधियाना निवासी हरजीत सिंह का सिर कलम कर दिया गया था। कैप्टन ने इस पर शोक जताते हुए कहा है कि बहुत दुखद की है कि सभ्य देशों में आज भी ऐसी अमानवीय घटना होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि घटना 28 फरवरी की है। प्रेमी जोड़ों की बस स्टॉप पर बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले में प्रेमी युगल सरेआम पिटाई की गई है। बुलढाणा जिले के नांदूरा शहर के बस स्टॉप पर पिटाई की यह वारदात हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह घटना 15 अप्रैल की है। बताया जा रहा है कि जब युवक और युवती नांदूरा के बस स्टॉप पर आपस में बात कर रहे थे, तभी लड़की के दो परिजनों वहां आए और युवक व युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी युवक को अपनी बाइक पर जबरन बैठा कर ले जा साथ ले गए। शादी के 8 महीने ही बाद पति को हुआ पत्नी पर अफेयर का शक, गुस्से में उठाया चाकू। तेलंगाना में एक शख्स पर भयावह हमला करने का मामला सामने आया है। तेलंगाना के क्यूटी पर एक व्यक्ति पर सोमवार को भूमि विवाद को लेकर कुराड़ी से बेरहमी से। हैदराबाद में एक हफ्ते से लापता 25 वर्षीय महिला इंजीनियर का पता चल गया है। उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को सूटकेस में रखकर नजदीकी नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है कि पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सुनील से प्राप्त जानकारी के आधार पर शनिवार को महिला का सड़ा गला शव मिला है। उसके खिलाफ हत्या और संशय गायब करने का मामला भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि सुनील भी इंजीनियर है और कॉलेज में महिला का सहपाठी था। दोनों के बीच 2017 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दावत के बहाने बुलाया, पेड़ से बांधकर बेरहमी से हत्या। उदा बरेली थाना के एक गांव में मौसी के घर आए युवक की पड़ोसी के घर में बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी है। आरोप है कि दावत के बहाने बुलाकर पहले पेड़ से बांधा गया और फिर लाठिया से पीटकर मार डाला। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ग्रामीणों की चर्चा के साथ ही अधिकारी भी इस तथ्य पर मान रहे हैं। हालांकि वादी पक्ष रंजिश में हत्या बता रहे हैं। पुलिस ने 3 के खिलाफ नाम दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास। फलावाहा क्षेत्र से एक गांव निवासी युवती से एक युवक पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज। युवती के अनुसार वह 2 दिन पूर्व कचरा डालने बाहर गई थी। आरोप है कि गांव ने तमंचे से उसे डरा कर ईंट के खेत में ले खींच कर ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। जब किशोरी ने जोरों से चिल्लाई और डर के मारे युवक फरार हो गया। युवती ने यह पूरी वारदात अपने परिवार वालों को बताई और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पीजी मालिक ने छात्रा को चूम कर कहा, रुक जाओ बेशक, किराया मत देना। देश की राजधानी दिल्ली में मुखर्जी नगर इलाके में पीजी खाली करने के लिए 24 वर्षीय छात्र के साथ मालिक ने किया अभद्र व्यवहार। 61 वर्षीय बुजुर्ग मालिक ने उसका हाथ पकड़ कर चूम लिया और उसे बिना किराए देने का ऑफर दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन के बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार में ले लिया गया है। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना।